हेलो गाइस, दिस इज़ विजय गुप्ता एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं LIC के IPO के बारे में बात करने वाला। गाइस, अभी रिसेंटली दो IPO आए हुए हैं, आपको पता होगा अगर आप लोग इस चीज़ में देखते होगे। तो अभी आया था हैप्पीएस्ट माइंड, जो ऑलमोस्ट डबल पैसे लोगों के डबल कर दिए, और अभी रूट मोबाइल आया हुआ है। तो रूट मोबाइल अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है, शायद एक दो दिन में लिस्टिंग, मंडे तक आई थिंक लिस्टिंग हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि क्या है, कैसा है, क्या क्या रेट पे चल रहा है, और डबल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे देखेंगे, ध्यान देंगे। तो गाइस, मैंने भी एक्चुअली हैप्पीएस्ट माइंड में टोटल 8 मैंने लॉट्स लिए हुए थे, जबकि सिंगल लॉट्स मैंने 8 अकाउंट से लिए थे। मैंने 8 अकाउंट से 8 लॉट लिए हुए थे, लेकिन मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ। क्या रीज़न है, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। मुझे लगा था कि आई थिंक एक एक करके 8 में से कम 4-5 तो मिल जाएंगे मुझे, लेकिन मुझे एक भी नहीं हुआ यार। इतना बुरा लगा मुझे कि पूछो मत। वरना फिर भी बाद में मैंने, जैसे ही वो IPO लिस्टिंग हुआ, वैसे ही मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया, तो मैं थोड़े बहुत कुछ पैसे प्रॉफिट कमाया। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कमाया, बस प्रॉफिट मैंने कमाया क्योंकि मुझे उसके बारे में पता था। तो गाइस, LIC के बारे में बात करते हैं, LIC IPO के बारे में बात करते हैं कि LIC IPO देखो द बिगेस्ट IPO होने वाला है ये इंडिया का। देखो, एक आर्टिकल में आया हुआ है, मैंने पढ़ा अभी वो आर्टिकल, LIC IPO विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट एवर इन इंडिया। सोचो, पूरे इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट होने वाला है ये IPO। देखो, IPO लार्जेस्ट इसलिए होने वाला गाइस क्योंकि ये LIC का IPO है, और LIC के बारे में आप लोग जानते हो, LIC बहुत बड़ी कंपनी है। देखा जाए तो जितने भी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, समथिंग इस टाइप के इंश्योरेंस जो हो गया, इसमें सबसे पहली, बहुत पहली कंपनी है। मुझे लगता है कि बहुत पहली कंपनी है इंश्योरेंस में, और ये सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर की। तो काफ़ी बड़ा होने वाला है। और तो गाइस, मैं बता दूं कि LIC इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग एन IPO टू सेल 10% ऑफ इट्स स्टेक्स एंड गेट लिस्टिंग एट BSE एंड NSE स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दिस फास्ट स्टॉक IPO इज पार्ट ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन LIC। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रेज फंड बिटवीन 80,000 to 1,00,000 crore थ्रू दिस IPO। एक्चुअली इस IPO के थ्रू LIC क्या करना चाह रहा है, रेज करना चाह रहा है, फंड रेज करना चाह रहा है 80,000 crore से लेके 1,00,000 crore तक के पैसे जो है कि IPO जो है कि कलेक्ट करना चाहता है, फंड रेज करना चाहता है LIC। तो मैं बता दूं गाइस कि एक और इस आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि गाइस, गवर्नमेंट प्लान्स LIC IPO बोनेंजा फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स विद बोनस एंड डिस्काउंट। देखो, ये डिस्काउंट प्राइस पे भी मिलने वाला है, और इसके साथ आपको बोनस भी मिलने वाला है IPO में। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आप अगर मिस कर दिए तो मिस कर जाओगे। तो आपके पास जितने भी अकाउंट है, हर अकाउंट से एक IPO बुक करो। डेफिनेटली अगर एक दो भी IPO आपको मिल जाते हैं तो आप काफ़ी पैसा आपका डबल हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा रिसर्च बोलता है कि जहाँ तक पैसा डबल हो सकता है गाइस। तो गाइस, इसमें आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, ये मेरी राय है। और आप जैसे भी आपको लगता है कि हाँ, अभी इसका कोई डेट अभी फिक्स नहीं आया हुआ कि IPO किस डेट में आने वाला है, जैसे डेट आएगा, फिक्स डेट आ जाएगा, वैसे हम आपको बता देंगे कि क्या डेट में आने वाला है क्या। यहाँ पे देखो, LIC की डेट हम देख लेते हैं, बट अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया है कि कब इसका डेट आने वाला है। कि देखो, LIC IPO इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईगरली अवेटेड IPO ऑफ द डिकेड एंड ऑल आर कीन टू नो ऑफ इट्स लॉन्च डेट। एज पर द बजट अनाउंसमेंट, द IPO इज़ लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ FY 2020 एंड 2021। तो देखो, अभी टाइम है गाइज, अभी बहुत टाइम है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस IPO को आप प्लीज़ मिस मत करना। अगर मिस कर दिए तो बहुत ही रिग्रेट करोगे बाद में, ठीक है। और इसमें जो ये लोग पैसे जो फंड रेज करना चाहते हैं, वो 80,000 से लेके 1,00,000 crore तक का फंड रेज करना चाह रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सेल करना चाह रही है 10% ऑफ इस स्टेक्स। तो गाइज, एक बोनस के साथ मिल रहा है और डिस्काउंट के साथ भी मिल रहा है। तो गाइज, इसमें बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, इस IPO को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। तो जैसे ही आए आप बुक करो IPO, ठीक है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप रिग्रेट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। तो गाइज, ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हैप्पीएस्ट माइंड से भी ज़्यादा मुनाफा देगा, और ये तो है, हैप्पीएस्ट माइंड से ज़्यादा मुनाफा आपको देने वाला है। तो आप सोच लो आपको क्या करना है,
ठीक है। तो गाइज़ अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और गाइज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज़ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय।